सॉरी, इसमें एक भी तस्वीर ऐसी नहीं है जो खरीदने के काबिल हो। नॉट बैड, नॉट बैड। आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इसलिए मैंने अपनी तस्वीरें आपको दिखानी चाहिए। बहुत अच्छा किया तुमने, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, सारी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा, लेकिन कम से कम 100 साल बाद। जी? आजकल सिर्फ 2 किस्म की पेंटिंग की डिमांड है, एक वो जो रईसों के बेडरूम की शोभा बढ़ा सके, और दूसरी वो जो किसी की समझ में ना आ सके। मतलब? ये आज भी की है, 5,000 रुपए में, 5,000 रुपीज। ये क्या है? मैंने बनाई है, लेकिन मुझे खुद को नहीं मालूम क्या है, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है द मिस्ट्री। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। कितनी खूबसूरत है जी? तुम्हारी उंगलियां। ओ, सूरत से भी आर्टिस्ट लगते हो। काश अगर आपने मेरी तस्वीरों की तारीफ की होती तो मुझे बेहद खुशी होती। तारीफ हमेशा बनाने वाले की करनी चाहिए। बाकी रहे तुम्हारी पेंटिंग, मैं अभी एग्जीबिशन देखकर आई हूँ, लेकिन इनके मुकाबले की एक भी पेंटिंग नहीं। सच कह रही हैं आप? हाँ, आपके बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। तकरीबन 500 पेंटिंग्स का कलेक्शन है मेरे पैलेस में। आपके पैलेस में? ओह, तुम तो मुझे जानते नहीं, मैं कामनी हूँ, रामगढ़ की राजकुमारी। तुम जैसे रियल आर्टिस्ट से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। दरअसल खुशी तो मुझे होनी चाहिए कि आप जैसे कदरदान मिला है जो सचमुच मेरे आर्ट को समझता है। सच पूछो तो रियली स्पीकिंग आज तक मेरी एक भी तस्वीर नहीं बिकी। वो तो तुम्हें देखते ही समझ गए। तुम्हारा नाम क्या है? प्रकाश। लवली नाम प्रकाश, और खुद अंधेरे में छुपे हुए हो। मैं चाहूं तो तुम्हें उजाले में ला सकती हूँ। आप? हाँ, आजकल की दुनिया में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए जानते हो? क्या? सेल्समैनशिप, स्मार्टनेस, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान, जिनके पास दौलत है, जिन्हें सिर्फ पेंटिंग्स खरीदने का शौक है मगर समझने का नहीं। तुम मेरे साथ आओ। कहाँ? ये मत पूछो, बस तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। अच्छा? लगते हो मॉडर्न आर्टिस्ट। पार्टी में अभी देर है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले तुम्हारे साथ एक राउंड हो जाए। पार्टी? हाँ, आज मैं तुम्हें उन दौलत वालों के सामने पेश करूंगी जो तुम्हारी तस्वीरों पर रुपयों के बौछार करेंगे। पीता नहीं। मेरे खातिर कोई बात नहीं, मैं मजबूर भी नहीं करूंगी, क्योंकि तुम आर्टिस्ट हो और मैं जानती हूँ आर्टिस्ट हर काम अपने मूड से करता है, और मैं उस मूड का इंतजार करूंगी। चेस। इनसे मिलिए, ये है नीता। इनमें बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये आपकी बड़ी कदरदान है। ये है प्रकाश, आर्टिस्ट, बहुत खूबसूरत पेंटिंग करता है। खुद भी तो कुछ कम नहीं। हेलो। हेलो। कामनी के काम से फ्री होते ही आपको एक मेरा पोर्ट्रेट बनाना हो। नीता, फिलहाल मेरा इनसे कोई काम नहीं, क्योंकि कल सुबह के प्लेन से मैं रामगढ़ जा रही हूँ। ओह, तब तक तो मैं इनके आर्ट का पूरा फायदा उठा लूंगी। इसलिए आज मैंने पार्टी दी है इन सब लोगों से इंट्रोड्यूस कराने। ये तो इनकी जरा नवाजी है, वरना ना तो मैं बड़ा आर्टिस्ट हूँ ना मशहूर। राजकुमारी कामनी की चॉइस कभी गलत नहीं होती, इन्होंने आपका इंट्रोडक्शन कराया, यही काफी है। अरे नीता, इनको सब लोगों से इंट्रोड्यूस करा दो ना। ओह श्योर श्योर, कम ऑन, कम एंड गो। ये है मिस्टर मोहन। हेलो। हेलो।
ये है रीता और उनके हेलो। अभी अभी ज्योति का संग कहा लाया है, जानते हो फर्स्ट क्लास बस आई है। मुबारक हो, इसी फ्राइडे को आ रही है। रियली? फिर तो लाला जी एक शानदार होम कमिंग पार्टी हो जानी चाहिए। हाँ जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे कमल, तुम तो ज्योति की खास सहेली हो, पार्टी के इंतजाम की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी अंकल। आप फिक्र मत कीजिए, लीव इट टू अस। कमल जी, यहाँ से सीधे क्लब चलेंगे, वहीं चल के डिसाइड करेंगे पार्टी के बारे में। टुडे आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन देखो, उस जबरदस्त हंगामे वाली पार्टी होनी चाहिए। आज आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं भी अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगा। पार्टी ऐसी हो कि लोग याद करें। हाँ, लोग याद करें। आहिस्ता, मैंने 50 दफे कहा है लाला जी कि एक्साइटमेंट तुम्हारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर, आज डरा कर तुम मेरी खुशी को नहीं दबा सकते। फ्राइडे को ज्योति आ रही है। सच? कितने बजे की फ्लाइट है? दोपहर की फ्लाइट। वेरी गुड, फाइन फाइन। अच्छा अंकल, अब हम चले। राजन, पार्टी शानदार होनी चाहिए। आप चिंता मत करिए, आप देखिए मैं क्या करता हूँ। लाला जी, मैं डॉक्टर सिद्दीकी से आज ही मिल लेता हूँ। ज्योति के बारे में मैंने उनसे बात की थी। डॉक्टर सिद्दीकी वो आई स्पेशलिस्ट? हाँ, इस वक्त तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े आंखों के डॉक्टर हैं। मैं चाहता हूँ ज्योति आते ही उनके साथ काम करने लगे। भाई डॉक्टर की बातें डॉक्टर लोग जाने, लेकिन फ्राइडे शाम का खाना तुम यहीं खा रहे हो। देखो जरा अच्छा सूट उट पहन के आना, टाई वाई लगा के। बहुत से लोग यहाँ आ रहे हैं। जो आएंगे वो मुझे सब जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि मैं सेठ लाला श्याम लाल वर्मा का तब से दोस्त हूँ जब उनका निकर घुटनों से नीचे खिसक जाएगा। अफसोस की बात है, इतनी देर में पार्टी का एक नया आइडिया तक नहीं मिला। थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी आता ही होगा पार्टी का एक्सपर्ट। कौन? प्रकाश, सिंगर, पेंटर, हैंडसम एंड व्हाट नॉट। वो शोधा लफंगा, भले घर की पार्टी में उसका क्या काम। ऐसा लगता मिस्टर राजन प्रकाश से जलते हैं। जलना ही चाहिए, ये बेचारे जिसे भी अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं वो प्रकाश को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। Will you keep your टेढ़ा माउथ शट? लेकिन वो आज अभी तक आया क्यों नहीं? भाई या तो वो अपने स्टूडियो में बैठकर किसी लड़की का स्केच बना रहा होगा, और या फिर अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठकर हवा से बातें कर रहा होगा। Excuse me, आपका रुमाल जी। जेब में रख लीजिए, मेरा रुमाल मेरे पर्स में है जी। ओ ब्यूटीफुल जी। आई मीन योर पर्स, इट्स रियली ब्यूटीफुल। आप इस क्लब की नई मेंबर हैं? जी हाँ। आपको कोई एतराज है? जी नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। दरअसल पहली बार आपको देखा इसलिए पूछा, बिलीव मी। मेरे जैसी लड़की आपने आज तक नहीं देखी, क्यों है ना? Oh, I see. तो आप मेरी तारीफ सुन चुकी हैं? जी, काफी सुन चुकी हूँ मिस्टर प्रकाश। मैं किससे बात कर रहा हूँ? आप रीटा से। जितनी आप खूबसूरत हैं उस तो ज्यादा खूबसूरत आपका नाम है। थैंक यू, बाय बाय। हाय फॉक्स। हेलो फॉक्स, हाउ आर यू? हाउ इज लाइफ? काम की बात करो यार, ये बताओ पार्टी वार्टी का क्या हुआ? पार्टी? ओ पार्टी, हाँ। लड़की का नाम क्या? ज्योति। ज्योति खूबसूरत है। तुमसे मतलब? अगर मुझसे मतलब नहीं है तो तुमसे मतलब नहीं। ये लो। ये किस लिए? तुम्हारा मुंह बंद रखने के। ओ यू। हाँ तो कमल जी, ये बताइए कि लड़की शादीशुदा? नहीं। तो उसकी उम्र 25 साल से ऊपर? जी नहीं, लेकिन ये सब कुछ इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम ढेरे आर्टिस्ट आदमी मूड के बगैर कुछ करते नहीं। अगर लड़की खूबसूरत हुई तो पार्टी फैंटास्टिक होगी, अगर ज्यादा खूबसूरत हुई तो पार्टी फैंटास्टिकली फैंटास्टिक होगी। कब आ रही हो? फ्राइडे को। कौन से प्लेन से? एयर इंडिया। बोइंग 707। नमस्ते। नमस्ते। यही ज्योति है? मैं नहीं मान सकता। क्यों, इतनी बदल गई हूँ? वेलकम होम, वेलकम होम ज्योति। आपके लिए छोटा सा तोहफा। थैंक यू, लेकिन ये आप ही रखिए, बड़ा भारी है।
कमल, ज्योति, मुबारक हो। एक्सक्यूज मी, मिस ज्योति, बंदे को प्रकाश कहते हैं। हेलो प्रकाश। हेलो। हम पहले मिल चुके हैं जी? कभी नहीं, लेकिन मिलते रहेंगे। कैसे मिलते रहोगे, देखता हूँ। फुटपाथ के रोमियो, चल बेटी चलो, फौरन चलिए। I do not want to waste my time. चलिए। I do not want to pick up. Miss Jyoti, you are looking terrific, terrific. Oh, Jyoti. अरे राजेश, सारे मेहमान आ गए हैं और अभी तक प्रकाश का कोई पता ही नहीं। जरा जाके उसे फोन तो करो। फोन आप कीजिए, मैं प्रकाश का चमचा नहीं हूँ। उसका आना बहुत जरूरी है, वरना पार्टी को एंटरटेन कौन करेगा? मैं कर देता हूँ। आज सब लोगों ने प्रकाश को सर पे चढ़ा रखा है। मेरी एंटरटेनमेंट वैल्यू आपको मालूम ही नहीं। लेडीज ऑफ द जेंटलमैन एंड जेंटलमैन ऑफ द लेडीज, भाइयों और भाइयों की बहनों, मिस ज्योति विलायत से कामयाब होकर आई हैं। ये पार्टी इसी खुशी में रखी गई है। मैं जानता हूं कि आप सब लोग प्रकाश का गीत सुनने के लिए बेताब हैं, जो खुद ही लापता है। मैं कहता हूं कि वो नहीं आएगा, और जब तक कि वो प्रकट नहीं होते मैं आपको एंटरटेन करूंगा। ये मॉडर्न पोएट्री है, शायद आपकी समझ में ना आए, लेकिन मैं फिर भी आपको सुनाता हूं। मुलाहिदा, आग पानी ठंडी सड़क ताड़ का पेड़। आग पानी ठंडी सड़क ताड़ का पेड़, ठंडी का मौसम ऊन वाली भेड़। प्रकाश आ गया। आखिरी लाइन है, आदमी ने आदमी की मारी है रेड़।